नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की ओर। चैत्र नवरात्रि प्रतिप्रदा के अवसर पर श्री श्री 108 महादंतेश्वरी शक्तिपीठ दंतेवाड़ा के लिए चुनरी यात्रा जगदलपुर से प्रारंभ की गई। यह यात्रा कल शनिवार को दंतेवाड़ा में संपन्न होगी। आज दोपहर विश्व हिंदू परिषद की मात्र शक्ति इकाई महिलाओं का दल बस्तर से इष्ट देवी मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ के लिए रवाना हुई। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर से 108 मीटर लंबी चुनरी माता को अर्पण करने यह दल रवाना हुआ है। इस बीच भक्तों के द्वारा मां दंतेश्वरी के जयकारे भी लगाए गए। दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से शुरू हुई चुनरी यात्रा गिदिम रोड तक गई और वहां से चार पहिया वाहन में सवार होकर भक्तगण दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए। चुनरी यात्रा जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच कई जगह पर रुकेगी। गंतव्य स्थल तक पहुंचने के पूर्व जिन जिन बस्तियों के बीच यह यात्रा गुजरेगी, वहां वहां विश्व हिंदू परिषद की महिलाएं पैदल चलकर यात्रा को पूरा करेंगी। दंतेवाड़ा के 5 किलोमीटर पहले करली बस्ती से पुनः पैदल यात्रा होगी और अंत में बस्तर की इष्ट देवी मां दंतेश्वरी के चरणों में चुनरी अर्पित कर दी जाएगी। चुनरी यात्रा में महिला, पुरुष, युवा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सनातनी धर्म के लोग द्वारा आयोजित चुनरी यात्रा का जगह जगह स्वागत भी होगा। चैत नवरात्रि के दौरान नगर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, उनमें से यह आयोजन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुओं की आस्था का पर्व रामनवमी मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अप्रैल रविवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण से निकाली जाएगी। गीदम में हमारी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की पदयात्रा होगी चुनरी के साथ और उसके बाद फिर हम वाहन में पहुँचेंगे दंतेवाड़ा और वहाँ पर लगभग 5-6 किलोमीटर अपन पैदल चल करके माता जी को चुनरी अर्पित करने जाएंगे, जिसमें हमारे संगठन विश्व हिंदू परिषद के सभी भाई बहन और साथ ही साथ सभी सनातनी हिंदू धर्म के अनुयायी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे और इस चुनरी यात्रा में हमारे सहभागी बनेंगे